नमस्कार, सिटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीद ओकेकरसन चौक पर। हरियाणा पुलिस के जवान सुनील संधु, प्रमुख समाज सेवी, वो पहुंचे हैं तिरंगा यात्रा लेकर के। सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं सफीदों के अग्रसेन चौक पर। और यहाँ पर पौधे जो हैं वो बांटे जाएंगे और सुनील संधु वो पहुंचे हैं। दिखाना चाहेंगे आपको सीधा लाइव तस्वीरें सफीदों के अग्रसेन चौक से। और सुनील संधु यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जिनको भी जरूरत होती है, चाहे शादी की बात है, कोई बीमार है, सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं सुनील संधु, हरियाणा पुलिस के जवान। और इनकी ड्यूटी जो है असंध के अंदर है। और मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ पूरा अभी कहां से कहां तक ये चलेंगे। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सभी तो पहुंचने पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज हम अपनी ये हर हर घर 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 तिरंगा मुहिम जो कई सालों से चलाते हैं, और कोरोना से पिछले साल भी हम दीपक भाई के पास आए थे जब पार्षद भी नहीं थे भाई, और आज हमने चाहा कि भाई को शुभकामनाएं भी देंगे। पार्षद बने हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, बेहतरीन इंसान है, और इनके साथ क्यों ना सफीदों यहाँ से निकलें और सफीदों में भी तिरंगा पौधा अपनी जो साइकिल यात्रा ये लेके जाएं। आज भाई के सहयोग से सफीदों में निकाल रहे हैं, फिर आगे पानीपत सोनीपत जाएंगे। कहाँ तक पहुँचने का आपका इरादा है? हम भाई साहब जहाँ तक पैडल लगेंगे चलेंगे, और हमारा कोई टारगेट तो है नहीं कि भाई हमने इतना किलोमीटर चलना है। पिछले साल हम 950 किलोमीटर चले थे और सफीदों भी आए थे, और अब की बार अपने भाई हैं इनको शुभकामनाएं। और भाई हमारे लिए एक हर्ष का विषय ये है कि हमने जो सपना देखा था कई साल पहले कि हर घर पे तिरंगा हो, हर छत सर पे छत हो, हर आदमी के आंगन में पौधा हो, वो हमारा अभियान पूरी देश में चल रहा है। मतलब सरकारें भी उसकी उसको फॉलो कर रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा सरकार, CM साहब सब कह रहे हैं कि हाँ हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। और तिरंगे की मुहिम चली हुई आप देख सकते हो, बसों पे भी जगह जगह पोस्टर लगे हैं। और हमारे कैथल में तो DC मैम ने कल ये भी कहा है कि भाई तिरंगे के साथ सेल्फी लेके आप यहाँ भेज सकते हैं, नंबर जारी किया है। तो भाई हमने भी एक सेल्फी विद तिरंगा मुहिम जो ये चलाई थी हर हर घर तिरंगा के साथ सेल्फी विद ट्री, वो काफ़ी सफल रही। आप बाकी दीपक भाई से ही पूछिए। आप समाज सेवा में भी रहते हैं, किसी को जरूरत होती है, शादियाँ भी आप करवाते हैं, पुलिस की भी नौकरी करते हैं, ऐसे में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? बस भाई साहब ये तो जज्बा और मतलब जुनून की बात है। भाई मन में अपने से कोई कुछ मांग ले और अपने पास हो ना दे पाए तो हमारे से बड़ा मतलब घटिया इंसान नहीं मैं मानता। होते हुए भी नहीं दे सकते, जिसने मांग लिया वो तो जरूरतमंद है। अगर होते हुए हम ना दें तो लाइफ का फायदा भी क्या है और उस पैसे का भी क्या फायदा। अभी तक कोई गिनती है, अभी तक कितने शादियां करवा चुके हैं? नहीं भाई साहब, हमने कोई रिकॉर्ड तो बनाना नहीं, कभी वर्ल्ड कप या कोई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बस करते रहते हैं। और उसको सोशल मीडिया पे हम इसलिए डालते हैं कि देखकर कोई प्रेरणा ले, जागरूकता आए, और यही आज का माध्यम भी हमारा यही है कि हमारे तिरंगे लेकर जाते हुए को देखे, पौधे बांटते हुए को देखे, लगाते हुए को देखे और लोग भी प्रेरणा ले। हम कोशिश करेंगे आधे हरियाणा को तो अब की बार भी कवर करें। पिछली बार हमने 7 जिले किए थे, और भाई साहब हमने गांव दर गांव पैदल स्कूली बच्चों के साथ, गांव के बच्चों के साथ, शहर के स्कूली बच्चों के साथ, युवाओं के साथ बहुत बार तिरंगा यात्रा कर ली, वो भी अब तो गिनती हमने बंद ही कर दी। बस यही है, हर आंगन में एक पौधा हो, एक पौधा एक जिंदगी हो। मुहिम जल शक्ति फॉर जन शक्ति, जल बचाएं, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वेस्टेज कपड़े होते हैं अपने, जो जरूरत का सामान ही होता है वो जरूरतमंद को दें, कबाड़ में ना फेंकें, बेचें ना उसको, इस टाइप की हमारी छोटी छोटी मुहिम चलती रहती है। अब यहाँ पर पेड़ भी बांटे, अभी बस शुरू कर रहे हैं भाई साहब, आओ आपसे ही शुरुआत कर देते हैं। दीपक चौहान जी, आज बड़े भाई हैं, आज सुनील संधु जी कैथल से अपना साइकिल यात्रा तिरंगा यात्रा लेकर पहुंचे हैं सफीदों।
पहले भी पूछते रहेगा, इनका एक सपना था हर घर तिरंगा हो, आज वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया है, क्योंकि एक मुहिम जो 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी पूरे भारत देश में हर घर तिरंगा होगा, और ये सपना भाई ने देखा था काफ़ी समय पहले, और इसी के लिए तिरंगा यात्रा लेकर निकलते थे, और आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इनका दूसरा क्या था, समाज सेवा में लगे रहते हैं, गौ सेवा भी करते हैं, बेटियों की शादी होती है, बहनों की, गरीबों की, उनकी भी, और पर्यावरण के तो प्रेमी है ही है उसके साथ, इसीलिए हमने भी यहाँ पर आज अपने स्पीडो नर्सरी से पौधे लेकर आए हैं, और अपना पुराना बस स्टैंड स्पीडो पर अब ये पौधा वितरण का कार्यक्रम रहेगा। जी जी, ये बड़े भाई हैं देखो, और सामाजिक कार्य करे तो हम भी छोटे मोटे समाज के कार्य करते रहते, तो इनके साथ अलग के कार्यक्रम कर रहे हैं। छोटे नहीं है भाई साहब, इतनी मतलब गौओं का रखना, उनकी देख रेख करना, कोई अपने घर में 15 मतलब समाज के लिए किसी को कहे ना कि चल वहाँ 15 मिनट गड्ढा मारना है, वो नहीं आएगा। और उस लोग हम देखते हैं भाई गाय छोड़ के गौशाला में, वो ये तो है नहीं भाई एक टाइम चारा डालना है, जब तक जिएगी तब तक उसका भरण पोषण, उसकी संभाल भी रखनी है, उसका गोबर भी उठाना है, बीमार हो तो मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी भाई निभा रहे हैं। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं, और मैं सफेदों वासियों को, हरियाणा वासियों को कहूँगा कि भाई का भाई बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। तो कुछ लोग कहते हैं भाई गौशाला में 1100 की पर्ची कटा ली, 2100 की, अरे भाई 2100 का तो आज महंगाई के मतलब जमाने में 4 दिन का तूड़ा नहीं आता। ये तो जो चलाता है मतलब एक बार ये बैल है, जैसे शराबी को शराब का बैल लग जाता है ना, ये समाज का, ये गौ माता की सेवा का भी एक बैल है, जिसको लग गया वो छूटता नहीं। बस यही है भाई, भाई का सहयोग करें, सभी दोवासियों को, हरियाणा वासियों को, जो वीडियो देखे उनको कहूँगा कि गौ माता की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें, पौधे लगाएं, तिरंगा लगाएं। धन्यवाद। दिखाना चाहेंगे आपको जी। मैं सफेदों में पहुंचने पे मेरा आज भी आ रही है, सफेदों में भाई साहब को पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पौधा जो दे रहे हैं, जैसे हर घर में आरो का पानी पीते हैं, क्योंकि पानी दूषित हो गया, अगर पौधे नहीं लगे तो हवा भी दूषित हो जाएगी, शायद एक सिलेंडर हर आदमी के कमर पे ना बंधे, तो इसलिए एक मुहिम और चलाई हुई है। इसके लिए विशेष धन्यवाद भाई साहब का, कि जिन्होंने के हमारा वातावरण भी शुद्ध हो, और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया अमरूद मिले, अनार मिले, यानी के फलदार पौधे वितरित कर रहे हैं। तो हम पूरे सफेदों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे समाज सेवी और प्रोत्साहन के लायक भी हैं। मैं एक आर्य समाजी होने के नाते से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ भाई साहब को। दिखाना चाहेंगे ये पौधे जो हैं, ये बांटे जाएंगे, और मैं दिखाना चाहूंगा हर घर तिरंगा पौधा साइकिल यात्रा। सुनील जो है ये लेकर के चले हुए हैं। सुनील एक हरियाणा पुलिस में तैनात है। और इनके द्वारा यहां से हर घर तिरंगा पौधारोपण साइकिल यात्रा के तहत, और ये और पौधे जो हैं वो बांटे जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में लोगों की कमर के ऊपर सिलेंडर ना बंधे, ऑक्सीजन का ये काम करेंगे। संभाल करें अपने बच्चे की तरह, 1 साल 1.5 साल पानी दे दे, फिर भी कुछ नहीं मांगते पौधे, फिर तो दुष्ट आदमी ही काट सकते हैं, नहीं तो वो पौधा अपने आप चलता रहता है, बारिश होती है बारिश में चलता है। अब जैसे सीजन है 1.5 महीना तो पानी देने की, तो आगे सर्दियों की ओस पड़ेगी, फिर अगली गर्मियों में थोड़ी सी केयर करनी है और पौधा अपने आप हो जाएगा भाई साहब। हाँ बिल्कुल दिलाते हैं भाई, पौधा लगाएं, ले जी ले लगाना है। ये देखिए सुनील संधू जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा पौधे बांटे जा रहे हैं, अमरूद के पौधे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, सुनील संधू प्रमुख समाज सेवी भी हैं, जो आए दिन किसी न किसी बहन बेटी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो वो वहां पर पहुंचकर उसका निवारण करते हैं। कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है उस पर अगर दवाइयों के पैसे नहीं हैं, दवाई नहीं ले सकते, तो सुनील संधू वो देते हैं।
आप सभी से अनुरोध किया आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। यहाँ पर जो पौधे बांटे जा रहे हैं इनका रखरखाव के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि इसकी एक या डेढ़ साल इसकी सेवा करने, उसके बाद तो इन्होंने फल देना ही देना है। और साइकिल तिरंगा यात्रा जो है सफीदों के अग्रसेन चौक पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये अग्रसेन चौक है, यहाँ पर इनकी तिरंगा यात्रा जो है पहुंची है। और ये देखिए भाई, और तिरंगा यात्रा लेकर के अभी ये आगे पानीपत सोनीपत जाएंगे। और एक ऐसे ही समाज सेवी हैं लोग, पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उनका रखरखाव नहीं कर पाते, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों को यही संदेश है, अगर कोई भी यहाँ से पेड़ लेके जाएं तो उनकी रखवाली कम से कम जब तक वो फल ना दे तब तक उसकी रखवाली करनी चाहिए, और बच्चे की तरह अपनी बच्चे की तरह। हाँ जी, जो समाज सेवी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा पौधे जो है जी। बाबा जी ने मैं ये गिफ्ट दिया है, लगाएंगे वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आपको ये है? हाँ, बहुत बढ़िया विकास है, अच्छे तरीके से बच्चे चल रहे हैं और जितने भी एमसी है बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, पूरी हरियाली का बहुत बहुत टीम का धन्यवाद। बिल्कुल, और ये तिरंगा यात्रा लेकर के लाभ मिलेगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिस प्रकार यहाँ पर पौधे बांटे जा रहे हैं। तो बने रहे हैं सिटी न्यूज के साथ, और एक अन्य खबर के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर लेकर के। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।